इरेगुलर दांत या क्रुकेड दांत जिसको कॉमनली कहा जाता है, इन दांतों को करेक्ट करने के लिए हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रेसेस यानी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ये अलग अलग प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रीटमेंट करने के लिए पहले हमें देखना पड़ता है कि दांत इरेगुलर किस तरीके के हैं और क्यों होते हैं। इरेगुलर दांत हो सकते हैं अगर हम दूध के दांत टाइम पे पेशेंट के नहीं गिरते या पेशेंट डॉक्टर से नहीं निकालता, तो कई बार डबल दांत आ जाते हैं। इन डबल दांतों की वजह से क्या है, जो परमानेंट दांत होते हैं हमारे, उनके लिए जगह नहीं रहती मुंह में और वो टेढ़ी गलत पोजीशन में आ जाता है। ये दांत क्योंकि एक इरेगुलर पोजीशन में आने के कारण पूरे फेस की और पेशेंट की पर्सनालिटी को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। ये हम पर्सनालिटी हम पेशेंट की इन्हांस कर सकते हैं बाय पुटिंग प्रॉपर ब्रेसेस। दीज ब्रेसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग प्रकार के होते हैं। वी हैव फिक्स्ड ब्रेसेस, वी हैव रिमूवेबल ब्रेसेस, देन वी हैव इनविजिलाइन, वी हैव लिंगुअल टाइप ऑफ ब्रेसेस, जो अलग अलग जिनकी अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं। ये ब्रेसेस सेरामिक की भी होती है जो टूथ कलर्ड होती है। ब्रेसेस से हम दांतों को अलाइनमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। इनमें कम से कम कई केसेस में 3-4 दांत निकालने पड़ते हैं और बाकी दांतों को हम पुश करके उनको प्रॉपर पोजीशन में लेके आते हैं।